अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद अहमद हाजिर खिदमत है एक नई लेक्चर के साथ। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1, 0, बी इज इक्वल टू 1, -1, 1, 2, -2, 2, 3, 1, 3, सी इज इक्वल टू -1, 0, 0, 0, -2, 3, 1, 1, 2। तो वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। पार्ट वन है ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। इसी तरह पार्ट टू है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पार्ट थ्री है बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। पार्ट फोर है ए प्लस इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a + b। पार्ट फाइव है ब्रैकेट सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस इंटू ए माइनस बी। पार्ट सिक्स है 2a + b इज इक्वल टू ए प्लस इंटू ए प्लस बी। पार्ट सेवन है ब्रैकेट सी माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू ब्रैकेट सी माइनस ए माइनस बी। पार्ट एट है ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। पार्ट नाइन है ए प्लस ब्रैकेट बी माइनस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए माइनस सी प्लस बी। पार्ट टेन है 2a + 2b इज इक्वल टू 2 a + b। तो आइए इनमें से पार्ट सेवन सॉल्व करते हैं। पार्ट सेवन है ब्रैकेट सी माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू ब्रैकेट सी माइनस ए माइनस बी। तो इसकी लेफ्ट साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट सी माइनस बी माइनस ए, तो इज इक्वल टू ब्रैकेट आएगी, अब सी की वैल्यू आ जाएगी, ये सी मैट्रिक्स है, फिर माइनस, अब बी मैट्रिक्स आएगा, फिर माइनस ए मैट्रिक्स आएगा। ब्रैकेट के अंदर जो टू मैट्रिसेस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट वैसे ही आएगी। ये आ गया -1, -1, 0, -(-1), 0, -1, 0, -2, -2, -(-2), 3, -2, 1, -3, 1, -1, 2, -3 और माइनस। ये मैट्रिक्स उसी तरह आएगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट खत्म कर देंगे और मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज है उनका आंसर निकाल लेंगे। फर्स्ट एंट्री थी -1, -1, उसका आंसर आएगा -2। सेकंड एंट्री थी 0, -(-1), तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा, यानी ये बन गया 0 + 1। इसी तरह थर्ड एंट्री 0, -1 था, उसका आंसर आ गया -1। फोर्थ एंट्री 0, -2, उसका आंसर आ गया -2। फिफ्थ एंट्री -2 फिर -(-2), तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, तो ये बन गया -2 + 2। सिक्स्थ एंट्री 3, -2, उसका आंसर आ गया 1। सेवन्थ एंट्री 1, -3, उसका आंसर आ गया -2। एट्थ एंट्री 1, -1, उसका आंसर आ गया 0। और नाइन्थ एंट्री 2, -3, उसका आंसर आ गया -1। माइनस तो लास्ट वाला मैट्रिक्स वैसे ही आएगा। अब इसका आंसर आ गया -2, 0 + 1 का आंसर 1, -1 वैसे ही आएगा, -2 भी वैसे ही आएगा, -2 + 2 का आंसर 0 आ गया, 1 वैसे ही आएगा, -2 भी वैसे ही आएगा, 0 भी वैसे ही आएगा, -1 भी वैसे ही आएगा, और माइनस ये मैट्रिक्स भी उसी तरह आ जाएगा। -2, 1, -1, -2, 0, 1, -2, 0, -1, ये मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू -2, -1, यानी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ माइनस किया। इसी तरह 1, -2, -1, -3, -2, -2, 0, -3, 1, -1, -2, -1, 0, + 1। यहाँ पे हम दे सकते हैं डबल माइनस है इसलिए प्लस आ गया, यानी ये बनेगा 0 + 1। इसी तरह -1, -0, अब इसका आंसर आ गया -2, -1 का आंसर आएगा -3, 1, -2 का आंसर आ गया -1,
माइनस वन माइनस थ्री का आंसर आएगा माइनस फोर, माइनस टू का आंसर आएगा माइनस फोर, जीरो माइनस थ्री का आंसर आएगा माइनस थ्री, वन माइनस वन का आंसर आएगा जीरो, माइनस टू माइनस वन का आंसर आएगा माइनस थ्री, जीरो प्लस वन का आंसर आ गया वन, माइनस वन माइनस जीरो का आंसर आ गया माइनस वन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं राइट साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट सी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ब्रैकेट सी मैट्रिक्स आ गया माइनस ए मैट्रिक्स आ गया फिर माइनस बी मैट्रिक्स आ गया। अब हम ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट माइनस वन माइनस वन, जीरो माइनस टू, जीरो माइनस थ्री, जीरो माइनस टू, माइनस टू माइनस थ्री, थ्री माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस इंटू माइनस वन, टू माइनस जीरो, और माइनस ये मैट्रिक्स वैसे ही आ गया इज इक्वल टू। अब ब्रैकेट भी खत्म कर देंगे और मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज है उनका आंसर निकालते। फर्स्ट एंट्री माइनस वन उसका आंसर आ गया माइनस टू, जीरो माइनस टू का आंसर आ गया माइनस टू, जीरो माइनस थ्री का आंसर आ गया माइनस थ्री, जीरो माइनस टू का आंसर आ गया माइनस टू, माइनस टू माइनस थ्री का आंसर आ गया माइनस फाइव, थ्री माइनस वन का आंसर आ गया टू, वन माइनस वन का आंसर आ गया जीरो, वन माइनस इंटू माइनस वन। तो यहाँ पे माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो ये आ गया वन प्लस वन, और टू माइनस जीरो का आंसर आ गया टू, और माइनस, और ये मैट्रिक्स वैसे ही आ गई। अब इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व इज इक्वल टू माइनस टू वैसे ही आएगा, माइनस टू भी वैसे ही आएगा, माइनस थ्री वैसे ही आएगा, माइनस टू माइनस फाइव टू जीरो, अब वन प्लस वन का आंसर आ गया टू, और टू वैसे ही आ गया माइनस, और ये मैट्रिक्स भी वैसे ही आ गया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करते इज इक्वल टू माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस फाइव टू, जीरो टू टू माइनस, ये मैट्रिक्स वैसे ही आ गया इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन माइनस टू प्लस वन। यहाँ पे क्योंकि डबल माइनस है, एक बाहर माइनस है एक एंट्री के साथ माइनस है, तो ये प्लस होगा माइनस थ्री माइनस वन। इसी तरह फोर्थ एंट्री माइनस टू माइनस टू, फिफ्थ एंट्री माइनस फाइव प्लस टू, यहाँ पे भी डबल माइनस है इसलिए ये प्लस टू होगा, टू माइनस टू जीरो माइनस थ्री, टू माइनस वन टू माइनस थ्री इज इक्वल टू। फर्स्ट एंट्री का आंसर आ गया माइनस थ्री, इसी तरह सेकंड एंट्री माइनस टू प्लस वन इसका आंसर माइनस वन, माइनस थ्री माइनस वन का आंसर माइनस फोर, माइनस टू का आंसर माइनस फोर, माइनस फाइव प्लस टू का आंसर माइनस थ्री, टू माइनस टू का आंसर जीरो, जीरो माइनस थ्री का आंसर माइनस थ्री, टू माइनस वन का आंसर वन, टू माइनस थ्री का आंसर माइनस वन। ये राइट साइड का फाइनल आंसर आ गया। हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम है, तो ये वेरीफाई हो गया। इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।